नमस्कार दोस्तों, अब हम देखेंगे बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम पेपर था लैब स्ट्रेन के लिए, जो क्वेश्चन आए थे उसके सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोजन का श्रवण करती है कौन करती है? लैंडिंग कोशिकाएं, लैंडिंग सेल्स। सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य में जीवाणु रोग कौन से हैं? तो इसमें देखिए ए और डी ऑप्शन सेम है, जिसमें आंसर होगा बी, टाइफाइड फ्लैग और टाइफस, क्योंकि मलेरिया होता है वो वायरस से होता है विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझात अंगों के सही सेट का चयन करना है। तो एक तो मानव का अग्रपाद, पक्षी के पंख और वेल के मेन पक्ष, तो आंसर हो जाएगा ये। संघ नीलिडा एवं मोलस्का की यौगिक जोड़ी कौन सी होती है? नियोपिलाइना। फिर मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होता है? वो होता है एंथेरिया असामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ओपरा द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्न में से क्या सही होगा? तो आंसर होगा सी, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन है एस्ट्रोजन। तंत्रिका आवेग के परीक्षण के समय पुण्य ध्रुवण की क्रिया में क्या होता है? K प्लस आयनों का अंतर प्रवाह, तो आंसर हो जाएगा ये। फिर मानव मस्तिष्क के लिए कथन का सही चयन करना है, ऐसे कथन चयन करना जो सही नहीं है। तो मध्य मस्तिष्क में दो वक्रपालियाँ उपस्थित होती है, तो ये गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी सभी चीज़ें जो लिख रखी है वो सब पाई जाती हैं। फिर विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत करने के किस भाग द्वारा किया जाता है? ये हो जाएगा आधार ये कला सी। रेखित पेशी के लिए जब ये संकुचित होती है तो निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ये, पृष्ठ पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघों के नाम युक्त सूची में फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, तो इसका आंसर होगा सी, यानी पूरी फेरा का होगा किपाणु, प्लेटी एलमेंटिस का होगा ज्वाला कोशिकाई, और नीमेट एमलेटिस का होगा फोस्मेट्स, और कार्डेटा का होगा प्रस्तुत उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता? तो आंसर होगा डी, लाइपेस। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? पलिया, बिलरोत, रजू ये सही है, सिरो, आनलंदी, घट, गति निर्धारक ये भी सही है, सी ए त्रिकर्पदी कपाट, मिट्टल कपाट, तो ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, प्राणी कोशिका में कौन से RNA की प्रचुरता होती है? तो ये होती है RNA। फिर मेंडलो के प्रयोगों में द्विशंकर लक्षण प्रारूप अनुपात कितना था? तो 9 गोल पिल्ले, 3 गोल हरे, 3 जुरीदार पिल्ले और 1 जुरीदार हरे, तो आंसर हो जाएगा बी। स्तंभ प्रश्न में दिए गए सिंड्रोम को स्तंभ सेकंड में कैरियोटोप से मेल करते हुए उत्तर चयन करना है, वो सही सम्मिलित नहीं है। तो सही सम्मिलित कौन सा नहीं होगा? सी, टर्नर सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21। बाकी सभी सही सम्मिलित हैं। इनमें से कौन सा समूह समतावी प्राणियों का है? तो व्हेल, कबूतर और चमगादड़, आंसर हो जाएगा ये। चाय का लाल कीट रोग किसके द्वारा होता है? ये होता है हरी शैवाल का द्वारा, आंसर है। ज्वार के फल को क्या कहते हैं? कैरियोपिस। शब्द बायोसिनोसिस किसने प्रभावित किया था? यह किया था कार्ल मोबियस ने। फिर जिब्रेलिन को प्रत्यय किया गया किससे किया गया? कवक से। उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने को व्यास मापा जाता है उसको क्या बोला जाता है? डेंड्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया जिसमें एल्कोहल का निर्माण होता है वह होता है ए, वायवीय श्वसन, डी। कनाडा बालसम एक माउंटेन एजेंट को स्थायी स्लेड के लिए प्रयोग किया जाता है, ये एक जाति से प्राप्त होता है, कौन से होता है? सीड्रस से। भूस्त्री का क्या मतलब होता है? भूमिगत स्तंभ। और रोजी क्या है? एक ट्रांसजेनिक गाय। लीची का खाने का भाग कौन सा होता है? एरिल। गऊ में 100 परागकण प्राप्त करना है तो कितने न्यूनतम और सूत्र विभाजन की आवश्यकता होगी? तो ये होगी 25, आंसर हो जाएगा ये। फिर पूर्ण सत्ता शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था मॉर्गन ने। साधारणतः मुसलिया मूल पाई जाती है द्विबीजपत्री। रोडोफाइसी का संचित उत्पाद कौन सा होता है? प्लोरिडियन स्टार्च। पोमेल अवस्था पाई जाती है क्लेमाइडोमोनोज। सेब नाशपति का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पासन। ये हो गई आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों।